हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। आज हम बनाएंगे बढ़िया सा कचौड़ी प्रीमिक्स, जिसे आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन हो आप खस्ता कचौड़ी या बेड़नी पूड़ी फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। बढ़िया सा कचौड़ी प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने ली है इसी कटोरी से एक कटोरी है उड़द दाल और एक ही कटोरी में मूंग दाल ले रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादातर लोग सिर्फ उड़द दाल की ही बनाते हैं, पर आप एक बार इस तरह से बराबर बराबर उड़द और मूंग डालकर बना कर देखिएगा तो ये बहुत बढ़िया लगेगा। अब इसे हम लगभग 4-5 पानी से अच्छे से बिल्कुल धो लेंगे, क्योंकि दालों में जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। बढ़िया से 3-4 पानी से धोने के बाद मैंने इसे डाल दिया है एक छलनी में और इसका पूरा पानी अब हम निकलने देंगे। अब इसे हम कॉटन कपड़े पर फैलाकर और लगभग 1-1.5 घंटे तक पंखे के नीचे फैला देंगे। 1.5 से 2 घंटे हो गए मुझे इसे पंखे में सुखाए हुए और दाल हमारी हल्की हल्की सूख गई है, एक्स्ट्रा पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब जिस भी कढ़ाई में इसे हमें सेकना है उसमें हम पलट लेंगे। अब इसे हम भूनेंगे एकदम मीडियम फ्लेम पर, लाइट ब्राउन होने तक, या आप ये सोच लीजिए बिल्कुल कुरकुरी होने तक। दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई हैं, आप कलर देख सकते हैं पास से लाके। और इसे भूनने में मीडियम गैस पर मुझे लगभग 5 से 6 मिनट लग गए, पर दाल जो है वो भुन कर बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। आप देख रहे हैं इसमें मतलब खनखन की आवाज़ आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक दाल हमारी ठंडी हो रही है तब तक उसके लिए बनाएंगे हम अपना एक मसाला बढ़िया सा। दोनों दाल मिलाकर मेरी 800 ग्राम दाल थी, 400 उड़द और 400 मूंग दाल। उसके लिए मैं ले रही हूँ ये 1/2 कप साबुत धनिया, गैस को कम ही रखें, और 1/2 कप साबुत सौंफ मोटी वाली, और 1/4 कप जीरा। इन सबको हम मीडियम गैस पर और अच्छा सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। मसाले हमारे एकदम अच्छे से भुन गए हैं। इसे मीडियम गैस पर भूनने में मुझे लगभग 1 मिनट लगा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 10 से 12 साबुत लाल मिर्च और इसे भी हम 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और मसालों के साथ ये अच्छे से पिस जाए। और इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच हींग का और बस गैस बंद करके ही डालें इसे और इसे भी चला देंगे। और अब इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, तब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। दाल और मसाले दोनों हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, पर पहले हम अपनी दाल को पीसेंगे इसे एक मिक्सी के जार में डालकर। और इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, 1 राउंड दाल को मैंने पीस लिया है। और ये बिल्कुल साबुत भी ना रहे और ये बिल्कुल पाउडर भी ना हो, इस तरह से हमें इसको पीसना है। देखिए थोड़े थोड़े से दाने भी दिख रहे हैं और ये थोड़ी दरदरी सी है। दाल हमारी सारी पिसकर तैयार हो गई है। अब इसी मिक्सी के जार में मैं डाल दूंगी ये अपना सारा मसाला जो हमने भुना था, और इसको भी हम बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा अधकुटा सा ही रखेंगे। मसाला मैंने पीस लिया है और आप देखें ये थोड़ा सा ऐसे दरदरा सा है। अब इसे मैं डाल दूंगी अपने इसी दाल के मिक्स में। अब इसमें मैं और भी कुछ ड्राई मसाले डालूंगी, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के आमचूर पाउडर, क्योंकि हमारी दाल बहुत सारी है तो 2 चम्मच, या आप इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच मैं बस डाल रही हूँ हल्दी, क्योंकि फिर नहीं तो हम जब दाल को भिगोएंगे तो दाल हमारी थोड़ी सी वाइट लगेगी। और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम काला नमक। काला नमक ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से, ताकि सब चीज़ें एकदम बढ़िया से मिल जाएं। और अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, हमें इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना, हमें इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। और इसे भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब इसे मैं भर दूंगी एक साफ़ सूखे जार में। ये सारा प्रीमिक्स मैंने अपना इस तरह से एक साफ जार में भर दिया है और इसे आप ढक्कन बंद कर आराम से स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक।
और जब भी हमें कचौड़ी बनानी हो तो हमें जितना भी मिक्स चाहिए, 2 चम्मच 3 चम्मच, तो उसे हम एक छोटे बोल में निकाल लेंगे और बस इसमें हम नॉर्मल पानी डाल के एक इसका घोल तैयार कर लेंगे। और जब भी आपको कचौड़ियाँ बनानी हो तो कम से कम आप इसे 10 मिनट पहले इसको घोल दें। अभी आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये गीला है, पर ये दाल जो है वो अच्छे से फूल जाएगी और ये बिल्कुल बढ़िया सा हमारा एक मिक्स तैयार हो जाएगा। इसे बस बहुत अच्छे से मिक्स करके और हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब कचौड़ी का आटा लगाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1 ही कप मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर तेल। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और इसे हम कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। और इसका हम लगाएंगे एक सॉफ्ट डो, हमें ये रोटी से भी थोड़ा सा सॉफ्टी लगाना है। और अगर आप चाहें तो जैसे आपने कचौड़ी प्रीमिक्स को जो भिगा के रखा है आप इसमें भी डालकर गूंद सकते हैं, तो वो आपका बेडमी पूरी की तरह आपका वो तैयार हो जाएगा। ये दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों तरीके से ही, चाहे आप स्टफ़ करके बनाएं और चाहे इसमें गूंद कर बनाएं। हमें थोड़ा सा इस तरह से सॉफ्ट थोड़ा सा डो रखना है बिल्कुल, ताकि हमारी कचौड़ियाँ जो हैं वो हमें भरते समय फटे ना। अगर हमारा टाइट आटा रहता है तो जब हम कचौड़ियों को भरते हैं तो वो थोड़ी सी फटने लग जाती है। इसे हम ढककर रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा ये कचौड़ी प्रीमिक्स भी भीग कर बिल्कुल देखिए एकदम ड्राई हो गया। उस समय आपको कितना गीला लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, जितना हमें स्टफ़ करना है उतनी छोटी छोटी गोलियां हम बना देंगे। ये सारी गोलियां मैंने बना दी हैं और 2 चम्मच प्रीमिक्स में मेरी ये 10 से 12 गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। आटा को भी लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और इसमें मैं डालूँगी एकदम थोड़ा सा ऑयल और इसे हम एक बार फिर अच्छे से गूंद लेंगे। आप देखें थोड़ा आटा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट आटा है, कचौड़ी के लिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट आटा ही चाहिए होता है। अब इसमें हम पूड़ी के साइज़ की लोई तोड़ लेंगे, जितनी बड़ी हम पूड़ी के लिए बनाते हैं। और बस हम एक लोई लेंगे और हम इसे ऐसे साइडों से ही फैलाएंगे, पतला करेंगे और हम 20 से थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। और बस अब हम एक लोई रखेंगे और जैसे हम नॉर्मली पराठे वगैरह भरते हैं बस इस तरह से कर, अगर आपको लगता है यहाँ ज़्यादा आटा तो आप ऐसे पिंच करके निकाल दें और बस इसको हल्के हाथ से दबाएंगे और साइडों से ही हम इस तरह हथेलियों से इसे दबा देंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें, पर आटा ना लगाएं और ना ही इसे बेलें। एकदम परफेक्ट ये इस तरह से कचौड़ी हमारी बनेंगी। इस तरह से पहले मैं 4-5 कचौड़ियाँ भर लूँगी फिर आपको तल कर दिखाऊँगी। कुछ कचौड़ियाँ मैंने भर कर तैयार कर ली है। तेल हमारा गरम हो गया है, जितना गरम हमें चाहिए, मीडियम हॉट हमें तेल चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखें। और जो अब हम इसमें डालेंगे कचौड़ी, तो जो हमारा लॉक वाला हिस्सा रहता है उसे हमें नीचे करना होता है। एक बार फिर से हाथ में लेके हल्का हल्का सा आप दबा दें हाथों को ग्रीस करते हुए और थोड़ी देर तक इसे टच बिल्कुल ना करें, ये अपने आप धीरे धीरे फूल कर सारी कचौड़ियाँ ऊपर आ जाएंगी। कचौड़ियाँ हमारी धीरे धीरे ऊपर आ गई हैं। अब इसे एक बार हम पलट देंगे और गैस को हम एकदम मीडियम ही रखेंगे, तेज़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो अंदर तक हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल नहीं सिकेंगी। देख सकते हैं कचौड़ियाँ हमारी एकदम अच्छे से फूल गई हैं और इसे बस अलट पलट कर हम अच्छा सा कलर होने तक सेक लेंगे। कचौड़ियाँ हमारी सिक कर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर। अब गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे, अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। और आप चाहें तो इसके साथ एक आलू टमाटर की बढ़िया सी सब्जी बनाकर उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर और इसका ये बहुत ही अच्छी खस्ता और करारी बनकर तैयार हुई है। कितना बढ़िया ये एकदम अंदर तक सिक गई है और मसाला बहुत ही बढ़िया है और ये प्रीमिक्स भी हमारा बहुत बढ़िया है। आप एक बार इस तरह से प्रीमिक्स बनाकर ज़रूर कचौड़ी ट्राई करें, आप भी इसके बिल्कुल फ़ैन हो जाएंगे। एक बार फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।